अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 2। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है और पूरी दुनिया इंतज़ार में है कि अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 2 कब आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 2 कब आएगा। इसलिए आप पूरी वीडियो देखें ताकि पता लगे और जैसे ही सीज़न 2 आए फौरन से देख लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल आपकी तमकिनत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा आपका, बस ये होगा कि आपको जैसे ही मेरी वीडियो आएगी फौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप फौरन से मेरी वीडियो देखने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताती हूँ कि अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 2 कब आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब्दुल्लापुर के देवदास को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसकी हर एपिसोड पे मिलियंस पे व्यूज़ आए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक प्राइवेट चैनल पे लगा था ड्रामा। काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि ये ड्रामा टीवी पे क्यों नहीं लगता, ये चैनल टीवी पे क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ, ये एक प्राइवेट चैनल था जो टीवी पे नहीं लगता, बस यूट्यूब पे ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीज़न 1 था। जैसा कि आप सब ने देखा, फ़खर की एक्टिंग, गुलबानों की एक्टिंग और पक्की सबकी, काशिफ की, और भी बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के इसमें करेक्टर्स थे और बहुत मज़ा आया हमें इस ड्रामे को देखने का। और सारा खान की एक्टिंग ने तो एंड ही कर दिया और बिलाल अब्बास की एक्टिंग का तो क्या ही कहें। सबको पता है कि ड्रामा सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्बास और सारा खान की वजह से अरूज पे गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीज़न 2 की। तो इसके राइटर ने ये देखा कि ये ड्रामा मिलियंस पे गया है, उसके बाद उसने सोचा कि हम इसका सीज़न 2 भी ज़रूर बनाएंगे और बहुत जल्द सीज़न 2 आने वाला है। तो दोस्तों, फ़खर और गुलबानों की क्या एंडिंग होगी ये तो अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ड्रामा उन्होंने बीच में ही ख़त्म कर दिया है। अभी हमें नहीं पता कि गुलबानों का निकाह हो गया था काशिफ से या होने वाला था या क्या सीन है। तो दोस्तों, सीज़न 2 में इन्होंने यही बताना है कि गुलबानों की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, क्या फ़खर गुलबानों को मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मज़े मज़े की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और जैसे ही अब्दुल्लापुर के देवदास का सीज़न 2 आएगा सबसे पहले मैं आप सबको बताऊँगी, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।